नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक दर्शक ने मुझसे क्वेरी पूछी कि क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। तो दोस्तों, उस क्वेरी का मैंने जवाब दिया और मैंने उन दर्शक से पूछा कि आपको क्या लगता है प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, या आपके हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या डेफिनेशन है। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि उनके हिसाब से जो भी ट्रेडर जिसकी ट्रेडिंग कैपिटल या स्टॉक मार्केट में निवेश 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनके हिसाब से वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या प्रोफेशनल इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। रिटेल निवेशक को लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो होते हैं जो कि बड़े प्लेयर्स हैं या जिनका बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। दोस्तों, यहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे हिसाब से अगर लेमैन टर्म में समझा जाए, जिसका ये प्रोफेशन है, मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग जिसका प्रोफेशन है और जो एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच अपनाता है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस अपनाता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, मेरे ख्याल से वो जो ट्रेडर्स हैं या वो जो निवेशक हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब दोस्तों, प्रोफेशन का मतलब कि यहां पे आपका फुल टाइम इनकम या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टॉक मार्केट है और आप एक प्रोफेशनल अप्रोच, मतलब आप पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं, या वहां पे आप एक स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहां पे आपकी जो अप्रोच है वो प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर मुझे एक एग्जांपल लेना, हमने सुना होगा कि जैसे आईटी प्रोफेशनल, तो दोस्तों आईटी प्रोफेशनल कौन है? पहली चीज, आईटी उनका प्रोफेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उनका ब्रेड एंड बटर है। उसके बाद दोस्तों, प्रोफेशनल उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे एक पूरा काम जो है प्रोसेस के साथ होता है, सिस्टमैटिक तरीके के साथ होता है, एक स्ट्रेटजी के साथ होता है। वहां पे कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको काम सिखाया जाता है। अगर वो पहले से सीख के आया है तब भी उसने कभी ना कभी वो काम जरूर सीखा है, फिर वो काम करता है, क्लाइंट्स के लिए काम करता है, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सक्सेसफुली डिलीवर करता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रोसेस को अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, तो अगर आप यहां पे स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, वहां पे उसको लर्न करते हैं, उसके बाद आप यहां पे काम करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रोसेस के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, और दोस्तों वहां पे आपका आउटकम जो है वो है मुनाफा स्टॉक मार्केट से, तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाए जा सकते हैं। तो यहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर की डेफिनेशन ट्रेडिंग कैपिटल से लिंक नहीं है, बल्कि ये निर्भर करती है कि ये आपका प्रोफेशन है या नहीं, क्या आप यहां पे एक प्रोफेशनल अप्रोच या प्रोफेशनल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करूंगा, या जिनको कह लीजिए ट्रेड्स, या जिनको कह लीजिए कि खूबियां, वो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, या जिसके अंदर वो खूबियां हैं तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये ट्रेडर या ये इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। अब दोस्तों, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो दोस्तों यहां पे ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो प्रोफेशन तो है मेरा ये, लेकिन यहां पे मैं प्रोफेशनल अप्रोच अपना रहा हूं या नहीं अपना रहा, उसके बारे में कोई थर्ड पर्सन ही जज कर सकता है, आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आप काफी समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, क्या वो काम सिस्टमैटिक है, क्या वो एक प्रोसेस के साथ है, क्या वो काम एक स्ट्रेटजी के साथ है, एक स्ट्रेटजी माइंड में रख के काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, वो जो जजमेंट है वो कोई थर्ड पर्सन ही कर सकता है, मैं अपने आप में जजमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक प्रोफेशनल अप्रोच अपना रहा हूं, ये मेरा एक फुल टाइम प्रोफेशन है, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। तो दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर में कौन सी ऐसी 10 खूबियां होनी चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए, उसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फीस लेके दी जाती है, उससे 1000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस चैनल को आप अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को
क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खूबी जो कि किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर में होनी चाहिए या होती है वो है दोस्तों कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो रिजल्ट को नहीं देखते। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा, प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों जैसा कि हम आईटी का अगर एग्जांपल ले रहे थे, वहां पे एक प्रोसेस सेट होती है, काम करने का एक तरीका फिक्स्ड होता है। अगर उस तरीके को फॉलो किया जाए, कोई भी आईटी प्रोफेशनल अगर उस तरीके को फॉलो कर रहा है तो वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको 100% एश्योरेंस होती है कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल कामयाब होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ठीक बनेगा, या मैंने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल बहुत सही तरीके से काम करेगा। वहां पे दोस्तों गलती होने की संभावना कहां होती है, जब स्टेप्स को नहीं फॉलो किया जाता। उसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में जब काम करते हैं, चाहे कोई बड़ा प्लेयर हो चाहे कोई छोटा प्लेयर हो, वहां पे हम रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें मुनाफा होगा या नहीं होगा, या हम यहां पे कहीं नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों वहां पे हम स्टेप्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। कुछ दिन पहले मैंने एक आपके साथ अपना वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने अपना पूरा इंट्राडे ट्रेड स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि स्टॉक सिलेक्शन से लेके एंट्री एग्जिट मैं किस तरीके से करता हूं, सारे स्टेप्स मैंने वहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर करके दिखाए थे। वहां पे दोस्तों मैंने रिजल्ट्स की परवाह नहीं की थी कि यहां पे मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर रहा हूं तो वहां पे मेरा मुनाफा होना तय है, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। केवल 10% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वहां शायद मुनाफा ना हो, लेकिन जब मैं सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा हूं, पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। मैं वहां पे रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, मैं स्टेप्स के ऊपर फोकस करता हूं ना के रिजल्ट्स के ऊपर। अब ये मैं आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा दोस्तों, या अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं या आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको मालूम है कि मैं स्टेप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, ट्रेंड कैसे चेक करना है, उसको रिकन्फर्म कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, किस समय निकलना है। तो इन सब बातों की चर्चा हम कर चुके हैं, स्टॉप लॉस कहां लग सकता है, कहां हंटिंग हो सकती है स्टॉप लॉस की। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स हैं। जिनको लगता है दोस्तों कि केवल एक वीडियो के द्वारा या एक या दो दिन के अंदर आप पूरी ट्रेडिंग सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, वो बिल्कुल गलत लगता है आपको। आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए, सारे स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहां पर रिजल्ट जो है आपका मुनाफे में होगा। वहां पर आपको रिजल्ट की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका मुनाफा होना 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो तय है। तो दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर्स में एक खास बात होती है, खूबी होती है कि वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ना कि रिजल्ट की चिंता करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारी स्टेप्स ठीक हैं, प्रोसेस हमने ठीक इस्तेमाल की है, स्ट्रेटजी हमारी सही है, तो वहां पर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। इसलिए यहां पर मैंने आपको आईटी प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल दिया। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इस चैनल के ऊपर हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर रिस्क मैनेजमेंट को एक सिंपल टर्म में समझा जाए, आप जितने भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर उसके अंदर जितने भी ट्रेड के अंदर आपको लॉस होता है, उन लॉस मेकिंग ट्रेड्स के अंदर आपकी कैपिटल का कितना नुकसान होता है वो रिस्क मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप एक ट्रेड के अंदर 10% अपनी कैपिटल के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि अगर भगवान ना करे आपके 10 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो जाएं तो आपकी पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप गेम के अंदर बने रहें, आप फील्ड के अंदर बने रहें, आप वहां पे खेलते रहें, ऐसा ना हो कि आप मैदान से बाहर हो जाएं। तो यहां पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल ट्रेडर्स का होता है कि वहां पे हमें टिके रहना है। अगर दोस्तों आपने एक मूवी देखी हो, चक दे एक मूवी आई थी, वहां पे अगर आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रांग ओपोनेंट भी है तो वहां पे कोच अपनी टीम को ये सलाह देते हैं कि यहां पे आप टिके रहिए, ऐसा ना हो कि आप हार जाएं। टिके रहना भी वहां पे एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी स्ट्रांग ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो यहां पे काफी दर्शक कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, बड़े प्लेयर हैं, ये है वो है, लेकिन दोस्तों यहां पे टिके रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप टिके रहेंगे तभी आप जीत सकते हैं। अगर आप टिक ही नहीं पाए, वहां पे आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो गई, तो वहां पे आप सीधा स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनका हमेशा
का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यहाँ पे मार्केट में टिके रहें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका लॉस मेकिंग ट्रेड है उसके अंदर आप अपनी कितनी कैपिटल को रिस्क पे डाल रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अंदर ये खूबी देखी गई है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को काफी सीरियसली लेते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियलिस्टिक होती है। अब आपने काफी सारे वीडियोस ब्लॉग्स देखे होंगे, ₹1000 महीने का लगाइए, 5 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए कमाइए, 2 साल के अंदर आप 3 करोड़ कमाइए, 40 करोड़ कमाइए, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को सुनने को मिलेंगे या पढ़ने को आपको मिलेंगे कुछ ब्लॉग्स के ऊपर। दोस्तों ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप ₹1000 महीने के लगा के आप 5 साल के अंदर 10 करोड़ कमा सकते हैं, 100 करोड़ कमा सकते हैं। अगर आप वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि ये क्या बात की जा रही है। दोस्तों ये जो सारे वीडियोस या ब्लॉग्स हैं ये व्यूज के लिए अच्छे हैं, वहां पे देखने के लिए बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करने जाते हैं, अगर आप वहां पे फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, तो ये प्रैक्टिकली आपको कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर 1 सेकंड में बता देगा कि ये संभव नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखिए, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहेंगी तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। और नॉर्मली मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो भी मेरा स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड का पोर्टफोलियो होता है वहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जितना समय व्यतीत कर रहा हूं उतना ज्यादा रिटर्न मुझे इंडेक्स से ज्यादा मिलना चाहिए। इंट्राडे के अंदर भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जितना समय व्यतीत कर रहा हूं मुझे अपने समय की कीमत मार्केट से जरूर मिलनी चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं समय की कीमत आपको कोई कोर्स देके वसूलूं या कोई पेड कोर्स आपको देके वहां पे अपने समय की कीमत वसूलूं, क्योंकि यहां पे मुझे मार्केट में मैं जितना सीखूंगा जितना लर्न करूंगा उतना ज्यादा मेरा रिटर्न होगा। तो मैं जो पैसा है वो मार्केट से वसूलूंगा, ना कि आपसे वसूलूंगा या किसी और तरीके से वसूलूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए। दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ या जिन लोगों के टच में मैं हूँ उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी दर्शक मुझे कहते हैं कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है तो आप यहाँ पे अरबपति क्यों नहीं बन गए, आप हर महीने 2 करोड़ कमाते होंगे या आप अरबपति होंगे इस समय। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पे दोस्तों आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 लाख का निवेश करते हैं तो वहां पे मैंने पाया दोस्तों कि आप 1x% रिटर्न वहां पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने निवेश को 5 लाख कर देंगे तो हो सकता है आपका रिटर्न बढ़ जाए, लेकिन अगर आप 5 लाख को शायद 10 लाख कर देंगे तो हो सकता है आपका रिटर्न कम हो जाए। इसके बारे में हम एक वीडियो में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है। अगर आपने स्कूल के अंदर बार ग्राफ पढ़े होंगे तो दोस्तों वहां पे आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लाइंस होती हैं या जो कर्व्स होती हैं एक पॉइंट पे आके वो मिल जाती हैं, वो एक ऑप्टिमम पॉइंट कहलाता है। किसी भी समस्या के अंदर वो एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है, वहां पे आप उससे आगे या नीचे नहीं जा सकते। ऐसा ही दोस्तों आपकी ट्रेडिंग के साथ होता है। आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें, क्योंकि दोस्तों यहां पे कैपिटल को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप वहां पे हड़बड़ाहट में कि मुझे अपना पैसा निवेश करना है या ट्रेड करना है तो आप वहां पे बड़े ट्रेड्स ले बैठेंगे, लेकिन अगर आप बड़े ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं है इस समय तो वहां पे आपका नुकसान होना निश्चित है। आप केवल एक लिमिटेड कैपिटल को हैंडल कर सकते हैं, लिमिटेड निवेश को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं जिनको बहुत हाई सैलरी मिलती है उनको भी कई बार नहीं समझ में आता कि हम इस पैसे को कहां निवेश करें। वही समस्या दोस्तों रिटेल निवेशकों के साथ भी है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ भी है कि आप पैसे को एक लिमिट तक हैंडल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। वो लिमिट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरे एक मित्र हैं उनके लिए वो लिमिट 2 करोड़ है, हो सकता है एक मेरे दूसरे मित्र हैं उनकी लिमिट 75 लाख है, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की वो लिमिट 5 लाख ही हो। तो एक आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो, उस अमाउंट को आप एक ऑप्टिमम तरीके से निवेश
कर पाएं। दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर का पॉइंट आता है जिसके बारे में रिटेल निवेशक को शायद मालूम ही नहीं होता या जिसके बारे में हम तैयार ही नहीं होते। दोस्तों यहाँ पे होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आपने मान लीजिए एक ट्रेड ए लिया हुआ है, वहां पे आपको ऑलरेडी 10% रिटर्न मिल चुका है, तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। चाहे वो स्टॉक हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाने की संभावना हो, लेकिन आपको एक दूसरा स्टॉक दिख रहा है जिसके अंदर आपको अगले एक महीने के अंदर भी 10% और रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जिस स्टॉक के अंदर आपने निवेश किया हुआ है वहां पे आपको लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अगले एक महीने में मुझे 2-3% और रिटर्न मिल सकता है, तो वहां पे समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि मैं जिस स्टॉक के अंदर मैंने निवेश किया हुआ है, स्टॉक ए, उसके अंदर 10% प्रॉफिट बुक कर लूंगा और उस पैसे को मैं स्टॉक बी में लगा दूंगा जहां पे मुझे पता है कि अगले एक महीने में मुझे 10% रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पे मेरे साथ भी एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ। जो दर्शक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि मैंने IDFC बैंक के अंदर ट्रेड लिया था। वहां पे दोस्तों मुझे 10% का मुनाफा हो रहा था एवरेज बेसिस के ऊपर। मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया और मैंने कोई दूसरा ट्रेड इनिशिएट किया, तो वहां पे मेरी यही फिलॉसफी थी, यही थॉट प्रोसेस थी कि यहां पे IDFC बैंक के अंदर मुझे 10% रिटर्न मिल चुका है, अगले एक महीने में मैं 10% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और 10% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे एक और दूसरा स्टॉक दिखा जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां पे 10% की मूवमेंट हो सकती है। तो उसके ऊपर मुझे काफी दर्शकों ने लिखा 1-to-1 या कमेंट सेक्शन के द्वारा, अरे भाई आप तो कह रहे थे IDFC बैंक बहुत अच्छा है, वहां पे आपने अपना प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, आप उसके अंदर क्यों नहीं बने रहे, आप तो कह रहे थे ये बहुत अच्छा स्टॉक है। भाई बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने कोई मना नहीं किया, जिस समय मैंने निवेश किया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने मुझे 3 हफ्ते के अंदर 10% का रिटर्न दे दिया, तो मैं वहां पे अपनी कैपिटल को क्यों ब्लॉक करूं? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि स्टॉक के अंदर अगर एक अच्छी रैली होती है तो कुछ समय कंसोलिडेट होता है। हाँ, अगर मुझे स्टॉक बी की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती या मुझे कोई दूसरा स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा होता तो मैं हो सकता है उस स्टॉक के अंदर बना रहता, IDFC बैंक के अंदर बना रहता, लेकिन यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी जरूरी है। आप जिस भी ट्रेड में बने हुए हैं, जिस भी निवेश में बने हुए हैं, वहां पे हो सकता है अगर आप कोई और अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, तो वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसी ट्रेड में बने रहना है या इस ट्रेड से आपको दूसरे ट्रेड में शिफ्ट कर जाना है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट ये है कि आपकी कैपिटल लिमिटेड है, आपके पास पैसा लिमिटेड है, उस पैसे से आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है। तो उसको किस तरीके से करना है आपको हमेशा देखना पड़ेगा। मैंने आपको एक बफेलो वाली स्टोरी भी सुनाई थी, जिन दर्शकों ने वो वीडियो देखा था वो मेरी बात समझ गए थे, उनको समझ आ गया था कि मैंने IDFC बैंक के अंदर ट्रेड क्यों क्लोज कर दिया। जिन्होंने मेरे सारे वीडियोज नहीं देखे उनको नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने मुझे वहां पे बुलिंग स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों यहां पे ट्रेडिंग जो है वो एक सेटअप है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटजी है, आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे एक्शंस को नहीं समझ पाएंगे या आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। दोस्तों यहां पे छठे नंबर का पॉइंट, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, कि यहां पे अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की डेफिनेशन देखें तो वो आपका एक फुल टाइम प्रोफेशन होना चाहिए, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। काफी दर्शक जो कि जॉब करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं कहीं पे, वो मुझसे पूछते हैं क्या हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आप अपनी जॉब के अंदर नहीं बन सकते, प्रोवाइडेड आपकी जॉब में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, आप दिन के अंदर अपनी जॉब के अलावा मार्केट के ऊपर काफी समय अगर व्यतीत कर सकते हैं, आप उसको एक प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं, लेकिन वहां पे फोकस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि आपकी जॉब किस प्रकार की है, लेकिन अगर आप एक वर्किंग पर्सन है तो वो आपका प्रोफेशन नहीं है, स्टॉक मार्केट आपका प्रोफेशन नहीं है, वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जिसका ये फुल टाइम प्रोफेशन होता है, उसी को हम प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं। दोस्तों सातवें नंबर का पॉइंट आता है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो 2-strike rule एक जिसको कहा जाता है उसको फॉलो करते हैं। अगर आपके किसी ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर 2 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो वहां पे आप उस ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल बंद कर दीजिए,
पहले इवैल्यूएट करिए कि ऐसा क्यों हुआ। आपको मैं खुद बता चुका हूं कि अगर मेरे 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कई बार लगातार, तो मैं वहां पे ट्रेडिंग बंद कर देता हूं। पहले मैं समझता हूं कि यहां पे क्या दिक्कत हुई, मार्केट ने अपनी चाल बदल ली या मार्केट ने अपनी दिशा बदल ली, तो मुझे यहां पे अपने ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम में क्या बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों यहां पे हम केवल एक ट्रेडिंग सिस्टम जिसने हमें पहले मुनाफा दिया तो हम वहां पे उसके साथ स्टिक होके नहीं रह सकते कि आगे भी ये हमें मुनाफा देता रहेगा। इसलिए हमें बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप्स की जानकारी होनी जरूरी है। काफी दर्शक कहते हैं भाई आपने इतने सारे ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप बताए हुए अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हमें सबकी जानकारी होनी चाहिए। आपका मुनाफा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप्स की जानकारी है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। केवल एक ट्रेडिंग सिस्टम या एक ट्रेडिंग सेटअप के सहारे आप जो है बिल्कुल 100% मुनाफे में नहीं हो सकते, हमेशा मुनाफे में नहीं हो सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट की दिशा बदली तो वहां पे आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम बदलना पड़ेगा, तभी आप वहां पे मुनाफा कमा पाएंगे। तो वहां पे लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि जितने ज्यादा ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम आपको मालूम है तो उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों 8वें नंबर का पॉइंट आता है लर्न एंड अर्न। इसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं आपको बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक खास बात होती है वो पूरे सिस्टम को पहले समझते हैं। जैसा कि मैंने आईटी प्रोफेशनल वाला एग्जांपल दिया था, दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आईटी कंपनी किसी को हायर कर रही है, उस व्यक्ति को पूरा कुछ पता ही नहीं उस कंपनी के सिस्टम के बारे में, सेटअप के बारे में, काम कैसे होता है या जिस प्रोजेक्ट पे उसको लगाया जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, वहां पे क्या एनालिसिस करना है, क्या करना है, क्या कोडिंग करनी है, तो दोस्तों वो व्यक्ति वहां पे कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके लिए पहले सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो लर्न एंड अर्न, ये रूल हमेशा आप याद रखिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि पहले उन्हें सीखना पड़ेगा तभी वो पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप वहां पे पैसा नहीं कमा सकते। चाहे आप जीवन में कोई छोटे से छोटा काम भी देख लीजिए या बड़े से बड़ा काम भी देख लीजिए, आपको उस बिजनेस की पूरी समझ होनी चाहिए। इसके मैं आपको काफी एग्जांपल्स दे चुका हूं कि यहां पे छोटे से छोटा काम सीखना भी जरूरी है। दोस्तों यहां मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एमबीए के दौरान हमारे एक फ्रेंड की प्लेसमेंट हुई थी एक रिटेल कंपनी के अंदर। तो हम कुछ दिन बाद जब वहां पे उस कंपनी के शोरूम पे शॉपिंग करने गए तो हमने पाया कि हमारा दोस्त जो है वो कस्टमर्स को जूते पहना रहा है। तो दोस्तों हमें काफी अजीब लगा, लेकिन वहां पे हमने उनके स्टोर मैनेजर से बात की तो वैसे ही बातों बातों में उन्होंने हमें बताया कि यहां पे हम जिसको भी हायर करते हैं, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उनकी एक पूरी प्रोसेस है, काम को सीखना बहुत जरूरी है। वहां पे छोटे से छोटा काम के जूते जो कस्टमर को पहनाए जा रहे हैं वो किस तरीके से काम होता है, दिक्कत क्या क्या आती है स्टोर में जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, या वहां पे किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, चाहे आप प्रेसिडेंट बन जाएं, उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी उसका तोड़ नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो यहां पे आपको सीखना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप वहां पे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि स्टोर के लेवल के ऊपर काम कैसे होता है, तो वो मेरे फ्रेंड जो है आज की डेट में एक सीनियर जनरल मैनेजर है उसी कंपनी के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरे काम को सीखा समझा, उनको मालूम है कि स्टोर में कैसे काम होता है और वहां पे किस तरीके से दिक्कत आती है स्टोर में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको काम करने में, तो तभी वो सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उनको पूरे काम की समझ है। तो दोस्तों यही रूल जो है स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। जब तक आपको पूरे काम की समझ नहीं है आप यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। दोस्तों 9वें नंबर का पॉइंट हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं कि आपकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, प्रोसेस के साथ होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। स्ट्रेटजी के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है स्टॉक मार्केट में तो वहां पे आपको नुकसान होने की संभावना
हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे दसवां और आखिरी पॉइंट आता है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए, किसी के एनालिसिस के ऊपर भरोसा मत करिए। जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा सकते। किसी के ऊपर आप केवल लर्निंग के लिए निर्भर हो सकते हैं लेकिन एनालिसिस आपको अपना खुद करना पड़ेगा। जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उनको आप जांचिए परखिए तभी आप निवेश करिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अगर आप किसी दूसरे के एनालिसिस के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वहां आपको पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने यह एनालिसिस क्यों किया था, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी। तो इसलिए मैं आपको अपने लगभग हर वीडियो में बताता हूं कि आप जो भी सीखें किसी भी चैनल से सीखें, किसी भी ब्लॉग से सीखें, कहीं से भी सीखें, आप उसको जांचिए परखिए समझिए कि ऐसा एनालिसिस क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, तभी आप वहां पे स्टॉक मार्केट में उस एनालिसिस को सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका नुकसान होना निश्चित है। तो दोस्तों ये थे 10 रूल, बेसिक रूल्स या खूबियां जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 के 10 रूल पसंद आए होंगे। अब आप खुद ही जज कर सकते हैं कि क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, क्या आप ये 10 के 10 जो खूबियां हैं ये आपके अंदर हैं, या इन रूल्स को या ट्रेड्स को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते, उसके बाद आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से वीडियोस देखने पसंद है, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया था। यहाँ पर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में निवेश का निर्णय लें। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।